राजस्थान के बाद अब नोएडा में भी स्वाइन फ्लू ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। बता दें कि राजस्थान में स्वाइन फ्लू से अभी तक लगभग 100 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके बाद यूपी के नोएडा में भी स्वाइन फ्लू का कहर जारी है। जिले में तकरीबन 23 मरीज स्वाइन फ्लू से ग्रस्त हो चुके हैं और कुछ लोगों की मौत भी हो चुकी है, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग द्वारा जांच की जा रही है। बता दें कि लगातार मरीजों की संख्या में इजाफा होने के चलते जिला अस्पताल में भी 2 स्वाइन फ्लू वार्ड बनाए गए हैं और स्वाइन फ्लू ग्रसित मरीजों का इलाज किया जा रहा है। स्वाइन फ्लू जो है नवंबर, दिसंबर, जनवरी में बहुत ज़्यादा फैला हुआ होता है। इस समय हमारे जिले में 23 केस हो गए हैं और सबका सर्विलेंस कर लिया गया है और उनके जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनको भी टेमीफ्लू की गोली दे दी गई है और सारी चीज़ें की जा रही हैं। सर, स्वाइन फ्लू के चलते अभी किसी की जानकारी है? अभी किसी की भी मृत्यु की कोई जानकारी नहीं है, लेकिन संदिग्ध मृत्यु हैं तो उनके लिए जो उनका टेस्ट है वो NCDC में हम लोग कराते हैं, वहाँ टेस्ट के लिए गया हुआ है और जैसे ही उनका पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है हम आपको सूचित करेंगे। स्वाइन फ्लू से बचने के लिए बचाव ही एक इलाज है, क्योंकि ये वायरल इन्फेक्शन है और कंट्रोल आना बहुत मुश्किल पड़ता है, तो उसके मरीज को सेग्रीगेट कर दिया जाता है। उसके मरीज का कोई भी तौलिया या रुमाल या चद्दर वगैरह, तकिया वगैरह किसी अन्य को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जिसको उसी को जुखाम हो उससे कम से कम 10 फीट की दूरी बना लेनी चाहिए। जुखाम और बुखार का जो बच्चा स्कूल जा रहा है, टीचर्स को चाहिए कि उसको छुट्टी दे दे 7 दिन की, जब वो ठीक हो जाए तो, जिससे दूसरे बच्चों को ना फैल पाए। इसी तरह से हम लोगों को भी ये चाहिए कि अगर हम लोगों को जुखाम बुखार हो रहा है तो अपने दफ्तर से या काम वाली जगह से भी छुट्टी ले लें और घर पे रहें, जिससे अन्य लोगों को ना फैल जाए। हालांकि स्वास्थ्य विभाग कोई भी लापरवाही बरतने को तैयार नहीं है, लेकिन राजस्थान के रास्ते स्वाइन फ्लू यूपी के नोएडा में आ गया है, जिससे लोगों को सावधानी से रहने की जरूरत है। पंजाब केसरी के लिए नोएडा से आकाश गर्ग की रिपोर्ट।